हल्की। तो भारत कृषि प्रधान देश के साथ साथ दुग्ध उत्पादन में भी अग्रणी बनने के लिए अब सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संस्थाएं भी भरसक प्रयास कर रही हैं। इसी दिशा में अब महत्वपूर्ण कदम उठाया है NDDB की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी ने, जिसने अब अमेरिका की Evers.AI नामक एक कंपनी के साथ समझौता किया है। इस समझौते से जानवरों के बीमार होने की जानकारी एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिलेगी, जिससे सही समय पर दुधारू पशु के समय रहते अगर वो बीमार है तो उसकी चिकित्सा की जा सकेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up! डेयरी फार्म के पशुओं की निगरानी के लिए सेंसर आधारित प्रबंधन प्रणाली होती है। इस प्रणाली ने बड़े फार्मों के प्रबंधन और स्वचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन निगरानी प्रणालियों में एक सेंसर युक्त कॉलर होता है जो गाय की गर्दन पर लगाया जाता है। इसके जरिए पशुओं की जुगाली और शरीर के तापमान सहित गाय की दूसरी गतिविधियों को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। पशु इन सेंसर युक्त कॉलर के माध्यम से एक एंटीने से जुड़ते हैं, जिससे एक सॉफ्टवेयर के जरिए पशुओं की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। हम NDDB में एक कनेक्टेड काउस के कंसेप्ट से काम करते हैं और ये एक सेंसर बेस्ड काउ मॉनिटरिंग सिस्टम है जो AI और IoT बेस्ड है। जनरली हमने देखा है कि ये ऐसे सेंसर बेस्ड काउ मॉनिटरिंग सिस्टम्स जो डेयरिंग डेवलप्ड नेशन है वहाँ पे पिछले 25-30 साल से यूज हो रहे हैं। वहाँ पे ये इसका रोल इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरा जो लार्ज डेयरी फार्म्स होते हैं उनके पास 1,000-5,000 पशु रहते हैं, तो उसको वो ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग करने के लिए काम आते हैं। हमारे यहाँ जो अभी तक का जो स्मॉल होल्डर डेयरी फार्मिंग सिस्टम है, 2-3 गाय या 2-3 भैंस रखने वाले सिस्टम में अभी तक इसका एक लार्ज स्केल में यूज़ नहीं हो रहा था। ये सिस्टम में ये एक सेंसर माउंटेड कॉलर होता है जो पशु के नेक पे लगाया जाता है। वो उसकी जो वेरियस मूवमेंट्स होती हैं पशु की, वो उसको ट्रैक करता है। प्रणाली के द्वारा पशुओं के मालिक को पशुओं की गर्मी में आने की सटीक जानकारी मिलती है, साथ ही साथ पशुओं के बीमार होने की स्थिति की जानकारी भी मिल जाती है, जिससे इनके प्रजनन और प्रबंधन में मदद होती है। जो कॉलर बेस्ड सेंसर जो है वो एक एंटीना के थ्रू एक एप्लीकेशन पूरा जो डेवलप किया हुआ है उसके साथ कनेक्टेड रहता है, तो सारे ही जो एक इंडिविजुअल पशु है जो है उसकी सारी मूवमेंट, सारा ही डेटा वो सिस्टम में कैप्चर हो जाता है, जिससे आपको एक एक्यूरेट डेटा मिलता है। उसका अगर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है आपको मालूम पड़ जाता है। उसका अगर कोई मूवमेंट में इश्यू है जिससे आप ट्रैक करके पता लगा सकते हैं कि आगे जाके पशु बीमार होने वाला है कि नहीं, वो मालूम पड़ जाता है। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की और देखते हैं विभिन्न शहरों का तापमान क्या है।